सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइडर विमेन फो। तो आज मैं बताने वाला हूँ पांच ऐसे के ड्रामास के बारे में जिसको आपने नहीं देखा तो आपने क्या ही देखा। मीन्स ये पांच के ड्रामा मैंने देख रखी और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको अच्छी रिकमेंड करने वाला हूँ। तो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, बिजनेस प्रपोजल। तो बिजनेस प्रपोजल 2022 की रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामा है और इसे बहुत लोगों ने पसंद किया था। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक नॉर्मल सी लड़की रहती है, लेकिन अपने दोस्त के मंगेतर यानी होने वाले मंगेतर, जो उसके फादर ने बोला था कि तुम्हारी इसी से शादी होगी, तो वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी। तो वो उसका नाम लेकर एक अलग ही मतलब वेश बदल कर उस लड़के को बहुत अजीब तरह का प्रपोजल देने जाती है ताकि वो ना माने। हालांकि प्लान गड़बड़ हो जाता है और लड़का शिनहारी को पसंद कर लेता है। हाँ, लड़की का नाम शिनहारी था और असल में बता दूँ कोई छोटा मोटा लड़का नहीं, एक बहुत अच्छी कंपनी का CEO होता है। फिर आगे चलकर दोनों में प्यार हो जाता है, लेकिन उनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक टाइप की स्टोरी आती है जो कि आपको हंसाएगी भी, थोड़ी सी रुला भी सकती है और बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। बट हाँ बता दूँ, रोमांटिक कॉमेडी है तो उसमें कॉमेडी पूरा है, तो जिनको भी कॉमेडी के ड्रामास पसंद आते हैं तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। सस्पिशियस पार्टनर, ये 2017 की एक रोमांटिक कॉमेडी के ड्रामा है जो हमें एक्स प्लेयर पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसको जिंग टीवी ने भी क्या टेलीकास्ट किया था 2023 में अगस्त के आसपास। हाँ, मैंने फिर से देखा था इसे और ये बहुत ज़्यादा अच्छा के ड्रामा है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि नोजी वुक एक सीनियर प्रोसिक्यूटर होता है। हाँ, प्रोसिक्यूटर, क्योंकि ये जो के ड्रामा है वो पूरी तरीके से लॉ किलर थ्रिलर का भी एक्सपीरियंस आपको दे सकती है। बिकॉज कि ये जो के ड्रामा है इसमें आधे से ज़्यादा लॉयर रहते हैं, प्रोसिक्यूटर रहते हैं और एक किलर भी होता है, और इसी बीच में थोड़ी सी कॉमेडी भी होती है, रोमांस भी होता है, जो आपको देखने को मिलेगा इसमें। सो दरअसल यहाँ पे सबसे पहले नोजी वुक हो गया जो एक प्रोसिक्यूटर होता है, और एक ट्रेनी रहती है, लॉयर रहती है, जिसका नाम होता है यून बोंगही। तो वो लोग एक इंसान को पकड़ते हैं, लेकिन वो यून बोंगही को लॉयर चूज़ करता है बिकॉज कि वो ट्रेनी थी तो उसे कुछ आता नहीं था, वो बहुत ही खतरनाक किलर होता है, लेकिन वो मासूम दिखता है इसीलिए वो उसे छोड़ देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि किलर ने बहुत ही खतरनाक कांड करके रखे हैं। तो वो लोग किस तरीके से उस लड़के को पकड़ते हैं और किस तरीके से उन दोनों के बीच रोमांस होता है, उन दोनों के बीच का स्टोरी लाइन बनता है, एक दूसरे से कब प्यार कर बैठते हैं और एंड में क्या होता है, ये आपको ड्रामा देखने के बाद पता चलेगा। सो स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ड्रामा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप एमएक्स प्लेयर पर जाके इसे पूरा फ्री में वॉच कर सकते हैं। मास्टर सन 2013 की बहुत ज़्यादा पॉपुलर के ड्रामा की लिस्ट में शामिल होने वाले के ड्रामा में से एक है। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो अभी भी अगर कोई इसे नहीं देखे हैं तो पुराना समझ के अगर इसे इग्नोर कर देंगे तो भाई ऐसा मत करना, बहुत अच्छा स्टोरी लाइन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। ये के ड्रामा आपको Z5 और Netflix पे अवेलेबल मिल जाएगा। आप इसे वहाँ से वॉच कर सकते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक एरोगेंट मैन होता है जोंग वुन, जो हायर करता है ते गोंशिल, एक लड़की को जो कि गोस्ट को देख सकती है। हाँ, वो भूतों को देख सकती है। तो इसी न्यू एबिलिटी के साथ स्टोरी आगे बढ़ती है, उन दोनों में रोमांस होता है और प्यार होता है एक दूसरे से, और वो लोग एक दूसरे की लाइफ को कुछ पॉजिटिव चेंजेस करते हैं, यानी वो अपने एक दूसरे की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करते हैं इन ईच अदर लाइफ्स। ये देखने को हम लोग मिलेगा। इसमें भी कॉमेडी है थोड़ी बहुत, और इसका स्टोरी लाइन बहुत जितने भी के ड्रामास है अलग है उससे, बिकॉज कि इसमें मेन चीज़ यही है कि लड़की गोस्ट को देख सकती है और जो एक एरोगेंट मैन होता है, एक बहुत ज़्यादा गुस्सैल आदमी होता है, वो उसे कैसे बदल देती है, तो आपको ये देखने को मिलेगा इसमें। परफ्यूम, जो आपको एमएक्स प्लेयर पे पहले अवेलेबल थी बट अब नहीं है, लेकिन अब आपको जियो टीवी पे अवेलेबल मिल जाएगी। परफ्यूम एक बहुत ज़्यादा अच्छा के ड्रामा है, इसका प्लॉट अच्छा है, मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का बोल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा था देखने में, आई होप कि आप लोग को भी अच्छा ही लगेगा देखने में। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की रहती है जो बहुत मोटी रहती है, उसे एक परफ्यूम मिलता है जो उसके मोटापे को कुछ समय के लिए कम कर देता है और उसे वापस यंग बना देता है, और उसे हमेशा से मॉडल बनना था तो वो मॉडल बनने लगती है। उसी बीच उसकी मुलाकात एक फैशन डिज़ाइनर से होती है, और असल में वो उसका पिछला प्यार था, वो पहले उस लड़की को पसंद करता था जो कभी अपने प्यार में सफल नहीं हुआ, और इसी तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। लास्ट में स्टोरी कुछ अलग ही मोड़ ले लेती है जो आपको देखने में अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। इसमें भी कॉमेडी है और रोमांस भी है और थोड़ा सा सैड स्टोरी लाइन है बीच में बस, लेकिन आप जब आगे देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्रेजी लव 2022 की बहुत ही अच्छी एंड बेस्ट के ड्रामाज की लिस्ट में आती है। इसका स्टोरी है शुरू में यही है कि इसमें पढ़ाई से रिलेटेड दिखाया गया है कि एक प्रोफेसर होता है जिसे जान से मारने की धमकियाँ मिलने लगती है, और वो बहुत गुस्सैल होता है, वो अपने सेक्रेटरी को और जितने भी कलीग हैं उसके, वो अच्छे से कभी उससे बात नहीं करते हैं। तो उसका एक अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो दिखावा करता है कि वो बीमार है, असल में वो बीमार नहीं होता है, असल में वो भूलने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भूला नहीं होता है। तो उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो असल में उससे बदला लेना चाहती है बिकॉज कि वो बहुत ही गंदा आदमी था, तो वो सोचती है कि अब मुझे कुछ प्लान करना चाहिए। तो वो अपने आप को उसकी फियांसे साबित कर
उसके खूब मजे लेती है, मतलब उससे बदला लेती है, उसे बहुत परेशान करती है, लेकिन लास्ट में बता देता है कि मैं कुछ भूला नहीं था, मुझे सब याद है। और यही कॉमेडी और रोमांटिक ड्रामा है। बिकॉज के इसमें कुछ थ्रिलर टाइप का भी है कि अगर वो जो उसके जो धमकियाँ मिल रही थी वो कौन दे रहा था, वही इसका मेन चीज़ है, कह सकते हैं मेन जड़ है। तो आपको इसमें रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर और मिस्ट्री, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ये आपको हॉटस्टार पे अवेलेबल मिल जाएगा हिंदी में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसे। सो हाँ, अब जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे पहले तुमने ये ड्रामास देख रखी है तो उसका नंबर नीचे जाके कमेंट कर देना, यानी दो रखी है या दो देखी है तो दो, एक देखी है तो एक, तीन देखी है तो तीन, मतलब ऐसी टाइप से जाके कमेंट कर देना, आगे एक हट बना देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।